जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल चैनल पे। आइए हम बात करने वाले हैं आज खोटा ग्रामर का। ये सीरीज नंबर 2 होगा और ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हम पहले कवर कर चुके हैं तो ये पार्ट 2 होगा, है ना। ये पार्ट 2 होने वाला है और इसमें भी हम बात करेंगे 50 क्वेश्चंस को। पहले पार्ट में हमने देखा था 50 क्वेश्चंस को। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप यहां से चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। एक एक करके हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो अभी हमने बात कर रहा था, अभी हम क्या पढ़ रहे, तो अभी हम लोग वर्ण परिचय को देखते रहे, है ना। वर्ण परिचय को ध्यान में रखते हुए उसी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्नों को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो 50 प्रश्नों को तो हमने पहले देख लिया है, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को बिना किसी देरी के। आज का पहला सवाल है कि खोटा लेता है रे सही विकल्प छांटा, यानी खोटा में इनमें से कौन सा जो है विकल्प है वो सही लिखा हुआ है। तो बरखा या बरसा, बरसा या वर्षा, या फिर ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आप सभी को पता है कि खोटा में तालब्य श और मूर्धन्य श, ये दोनों स का प्रयोग जो है वो खोटा में नहीं होता है। इसके जगह पे सिर्फ इस स का प्रयोग जो होता है वो खोटा में किया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि सही विकल्प छांटा। यहाँ पे भी आपको सही विकल्प छांटने के लिए दिया हुआ है, तो मूर्ख, मूरख या फिर मूरख या तो फिर ई सभे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ये सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दीर्घ उ दिया हुआ है और यहाँ पे ऊपर में आधा र दिया हुआ है, तो ये दोनों गलत है, ये दोनों नहीं होगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सही विकल्प के छांटा, इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही दिया हुआ है। पैसा, सारा पैसा ही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें से जो सही विकल्प है उसको आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही है। तो ऐसे सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम्स में। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा खोटा में। अगर आप पहले पार्ट के वीडियो को देख लेंगे तो दूसरा पार्ट आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए पहला पार्ट आप ज़रूर देखेंगे, वहाँ से बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि सही विकल्प छांटने के लिए बोला गया है विज्ञान लिखा हुआ है, तो इनमें से विज्ञान का सही रूप क्या होगा। तो हम सभी को पता है कि विज्ञान जो है वो हिंदी में इस तरह से लिखाता है, है ना। अब आपको बताना है कि खोटा में इनमें से कौन सा सही होगा। तो याद रखेंगे विज्ञान जो होगा वो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं, है ना, विज्ञान हो जाता है। यानी थोड़ा सा हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, ज्ञ जो होता है, है ना, ज्ञ जो होता है वो चेंज हो जाता है या तो फिर ग में या तो फिर गे में। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है, या तो फिर गी में चेंज हो जाता है, ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है औरत शब्द एक सही बर्तनी छांटा। तो यानी औरत लिखा हुआ है उसका सही बर्तनी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारा में, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है और ये भी आपको याद रखना है कि खोटा में जो है वो औ का प्रयोग जो वो नहीं किया जाता है, इसके जगह पे अ और ह्रस्व उ, इसके जगह पे इसका प्रयोग होता है। उसी तरह से एक और शब्द आपको याद रखना है अय, जैसे ऐनक, तो अय के जगह पे क्या होता है अ और ह्रस्व ई, ये दोनों का प्रयोग होता है, ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखने। चलिए अगला सवाल है कि परीक्षा शब्द एक सही बर्तनी छांटा, इसमें से बताना कि परीक्षा का जो सही बर्तनी होगा वो कौन सा होगा। तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया सवाल पूछा गया कि गलत वर्तनी छाटा, है ना, वही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गलत वर्तनी आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। तो तीन तो सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। हो सकता है कि आपको जो सही देखने में लग रहा है वही गलत है वास्तविक रूप से, क्योंकि ये छ का प्रयोग जो वो खोटा में नहीं होता है। याद रखेंगे ये छ जो है वो खोटा में वो गलत माना जाता है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसके जगह पे या तो छ का प्रयोग होता है या तो फिर आधा क और ख का प्रयोग होता है, आधा क और छ का प्रयोग होता है, या तो फिर आधा च और छ का प्रयोग होता है, है ना, इन चीज़ों को याद रखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस छ के जगह पर या तो छ या तो फिर ख, ये दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि गलत विकल्प के छांटा, यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो गलत लिखा हुआ है। तो ऋण, ऋषि और दक्षिण या दक्षिण, ये तीनों तो सही है लेकिन चौड़ा ये आपका गलत लिखा हुआ है ना, क्योंकि हमने पहले बोला कि
औ का प्रयोग जो वो खोटा में नहीं होता है, इसलिए डबल आकार ऊपर में अगर हो तो ये जो होगा वो गलत होगा। चौड़ा अगर लिखना हो तो इस तरह से आपको लिखना है, इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि गलत विकल्प के छाटा, इसमें से बताना कि इनमें से कौन सा जो है वो गलत है। तो यहाँ पे प्यार ये सही है, बच्छर सही है, मौध मधु को मौध हम लिखते हैं, प्यार को प्यार लिखते हैं, वर्ष को हम इस रूप में देखते हैं, है ना, वर्ष को हम बच्छर बोलते हैं, ठीक है। और स्वर्ण रेखा ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे जिस न का प्रयोग हुआ है ना, मूर्धन्य न का प्रयोग हुआ है तो ये तो नहीं उपयोग होता है, और आधा र ऊपर में है ये दोनों का प्रयोग नहीं होता है, जिसके कारण से गलत ऑप्शन जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, देख लीजिए, स्वर्ण रेखा अगर लिखना हो तो इस तरह से आप स्वर्ण रेखा लिख सकते हैं। इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप चाहे तो वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और आसानी से देख सकेंगे सारे चीज़ों को अच्छे से। अगला सवाल है कि गलत विकल्प के छांटा, इसमें से आपको गलत विकल्प को छांटना है कि कौन सा इसमें जो है वो गलत विकल्प है। तो वजह, संस्कृति और वकील, ये तीनों सही है, लेकिन वजह जो होगा वो गलत होगा, क्योंकि वजह के जगह पे अगर वजह लिखना तो इस तरह से हम लिखेंगे वजह, ये गलत होगा, इसलिए ऑप्शन इसका ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भक्त से बनल भगत शब्द कैसन साड़ा परिवर्तन भेल है। तो कई बार क्या होता है कि हम घोष क्या है, अघोष क्या है, अल्प प्राण और महाप्राण, ये चारों चीज़ हम कल ही बता दिए। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पहला वीडियो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे सारा चीज़ आपको क्लियर अच्छे से हो जाएगा। फिर भी हम यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे, फिर से एक बार कोशिश करेंगे कि इसको रिपीट कर दिया जाए। चलिए, तो यहाँ पे बोल रहा है कि भक्त, तो यहाँ पे भक्त के जगह पे बन गया है भगत, है ना, यहाँ पे भगत देख रहा है, तो यानी क के जगह पे क्या आ गया, ग आ गया, है ना। और पहले हमने बात किया था, कल ही हम बात कर रहे थे घोष और अघोष में, जैसे देखिए यहाँ पे क और ख, ये किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष कहलाता है, और तीसरा चौथा पांचवा जो होता है वो घोष कहलाता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, अगर पहला या दूसरा से अगर किसी इनमें से किसी भी में परिवर्तन होता है तो याद रखेंगे यह घोषीकरण कहलाएगा, यानी जिसमें परिवर्तन हो रहा है। तो क से किस में परिवर्तन हो रहा है, ग में परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए यह क्या कहलाएगा, घोषीकरण कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे भक्त है तो यानी क था, और क के जगह पे क्या चेंज हो गया, ग हो गया, यानी भगत हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, घोषीकरण होंगे बोलेंगे, क्योंकि पहले अघोष था, अघोष से घोष की ओर परिवर्तित हुआ, तो घोषीकरण कहलाता है। चलिए अगला सवाल है कि सख्त से सकत बनल शब्द कौन साड़ा परिवर्तन भेल है। अब यहाँ पे सख्त यानी ख था, ख और ख के जगह पे चेंज होकर के हमने क्या कर दिया, क कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक चीज, अल्प प्राण और महाप्राण का कंसेप्ट यहाँ पे आपको याद होगा तो आप आसानी से इसका प्रश्न जो वो बना पाएंगे। तो सख्त और सकत में अगर देखें तो हमने बोला था कि पहला, तीसरा और पांचवा, ये तीनों जो होता है वो अल्प प्राण कहलाता है, और दूसरा और चौथा यानी ख और घ, ये दोनों जो होगा वो क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। अब देखिए ख से क में आ रहा है, यानी ख से कहाँ आ रहा है, महाप्राण से अल्प प्राण की ओर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्प प्राणीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्प प्राणीकरण हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए थोड़ा सा अल्प प्राण और महाप्राण के कंसेप्ट में हम फिर से देख लेते हैं एक बार। क, ग और अंगा, यानी पहला तीसरा और पांचवा ये होता है अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा ये जो होता है वो महाप्राण होता है, किसी भी वर्ग का, जरूरी नहीं कि क वर्ग हो, च छ झ, इसका च वर्ग हो सकता है, ट वर्ग हो सकता है, त वर्ग हो सकता है, प वर्ग हो सकता है, किसी भी वर्ग से हो सकता है ये। तो अल्प प्राण हो गया और महाप्राण हो गया, तो ख से कहाँ आया था, क में आया था, यानी महाप्राण से अल्प प्राण की ओर आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्प प्राणीकरण, यानी जिसमें परिवर्तन हो करके, जिसमें चेंज हो करके आ रहा है उसी को हम बोलेंगे अल्प प्राणीकरण। अगर यहाँ से अल्प प्राणी से अगर महाप्राण की ओर चेंज होता, जैसे अभी हमने बात किया था जैसे क है, और क के जगह पे चेंज हो करके या तो ख या तो फिर घ हो जाता, तो हम क्या बोलते हैं उसको, महाप्राणीकरण बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखने। चलिए तो आपके लिए एक क्वेश्चन हमने रखा है, आपको इसका आंसर जो है वो करना है कि अगर डंडा से डंटा बने, अगर डंडा से डंटा में चेंज करें तो इसका साड़ा या ध्वनि परिवर्तन जो होगा वो क्या होगा, आपको बताना है कि क्या होगा, अल्प प्राण होगा, अल्प प्राणीकरण होगा, महाप्राणीकरण होगा, ठीक है, ये या घोषीकरण होगा या अघोषीकरण होगा।
ये दोनों चीज़ आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी ड से ट में चेंज हो रहा है, ड से ट में चेंज हो रहा है, तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आइए थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं एक बार फिर से। जैसे ट वर्ग अगर लिखते हैं ट ठ ड ढ और मूर्धन्य ण, तो देखिए पहला तीसरा और पाँचवा ये तो क्या होता है अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा ये जो होता है वो महाप्राण कहलाता है। अब यहाँ पे क्या है कि ए, और फिर हमने दो चीज़ और बोला था कि जैसे लिखा हुआ है ट ठ ड ढ और मूर्धन्य ण, इसमें से पहला और दूसरा ये हमने बोला था क्या, ये दोनों जो होता है वो अघोष होता है। क्या होता है? अघोष होता है। तीसरा चौथा और पांचवा ये तीनों जो होता है वो क्या कहलाता है? घोष कहलाता है। तो अब देख लीजिए डंडा था और डंडा से डंटा में आया, यानी ड से क्या आ गया? ट में चेंज हुआ। तो अब हमको हम आपको यहाँ तक हिंट कर दिए, अब आपको आंसर कमेंट करके बताना है कि क्या होगा, घोषीकरण होगा अघोषीकरण होगा, ये आप कमेंट करके बता देंगे। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। इसके पहले थोड़ा सा हम एक बार फिर से रिपीट इसको कर दे रहे हैं और आपको थोड़ा डायग्राम के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे क और ख, पहला और दूसरा जो होता है वो अघोष कहलाता है, तीसरा चौथा पांचवा जो होता है वो घोष कहलाता है। अब समझिए कुछ इस तरह से, क और ख ग घ अंगा। अब अगर किसी क और ख ये दोनों में से किसी में भी इसमें तीनों में चेंज होगा तो वो घोषीकरण कहलाएगा, ठीक है। और अगर इन तीनों से चेंज होकर के अगर ये दोनों में अगर आएगा तो वो क्या कहलाएगा? अघोषीकरण कहलाएगा, क्योंकि ये अघोष है, ये अघोष है और ये घोष है। तो जिधर चेंज होगा उसी को हम बोलेंगे, यानी अघोष से अगर घोष की ओर आए तो घोषीकरण, अगर घोष से अघोष की ओर आए तो अघोषीकरण। ये दोनों चीज़ कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। चलिए अगला कंसेप्ट एक और हम बात कर लेते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण का। तो अल्प प्राण और महाप्राण का अगर कंसेप्ट देखा जाए तो पहला तीसरा और पाँचवा हमने बोला अल्प प्राण होता है और दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण कहलाता है। तो अगर अल्प प्राण से महाप्राण की ओर आए तो उसे हम क्या कहेंगे? महाप्राणीकरण, ठीक है। जिसमें परिवर्तन हो रहा है इसको हम महाप्राण बोल रहे हैं। तो जिधर चेंज होगा उसी को हम बोलेंगे क्या? अल्प प्राण से महाप्राण की ओर आ रहा है तो महाप्राणीकरण हो जाएगा ये। ठीक उसी प्रकार से अगर नीचे महाप्राणीकरण से अल्प प्राण की ओर आए, यानी महाप्राण से अल्प प्राण की ओर आए, तो उसे क्या कहेंगे? अल्प प्राणीकरण कहेंगे। तो ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक हमने एग्जाम्पल लिया था ना सख्त, और सख्त से चेंज हो गया था क्या? सक्कत। तो देखिए ख से चेंज होकर के क्या आ गया? ख क में आ गया। तो देखिए ख यहाँ था, ख से चेंज होकर के क में आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे? अल्प प्राणीकरण बोलेंगे। क्या इसको बोलेंगे? अल्प प्राणीकरण बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, और साथ ही साथ चैनल पे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, ताकि इसी तरह का वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा और आप आसानी से सारे वीडियोस को देख पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि गलत विकल्प के छांटा, गलत विकल्प को छांटना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो जोगिंदर, नारायण, प्रकाश, ये तीनों तो सही है, लेकिन आशीष ये जो है वो ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि तालव्य स और मूर्धन्य स ये दोनों स का प्रयोग जो है वो खोटा में नहीं होता है, यानी इस स का भी प्रयोग नहीं होता है, इस स का भी प्रयोग नहीं होता है, जिसके कारण से ये गलत होगा। इसलिए ऑप्शन डी जो होगा वो क्या होगा? गलत होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए एक बार फिर से, हमने बता दिया कि इस स के जगह पे भी इस स का प्रयोग करते हैं और इस स के बदले भी, सिर्फ हम खोटा में इस स का आपको प्रयोग करना है और किसी भी स का प्रयोग आपको खोटा में नहीं करना है। अगर वैसा ऑप्शन आपको दिखाई दे तो उसे आप हटा सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। अगला सवाल है सही विकल्प के छांटा, आपको सही विकल्प बताना इनमें से कौन सा सही विकल्प होगा। जैसे शब्द, वर्णन, संस्कृति या बुद्ध। तो सही विकल्प अगर देखा जाए तो देखिए तालव्य स का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, इसलिए ये गलत होगा। यहाँ पे क्या है कि न मूर्धन्य ण का प्रयोग हुआ है, व का प्रयोग हुआ, जबकि व व जो है वो ब में चेंज हो जाता है ना। संस्कृति, पहला आधार र नीचे जो लिखा हुआ है उसका प्रयोग नहीं होगा, तो ये भी गलत लिखा हुआ है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बुद्ध हो जाएगा। बुद्धि को बुद्ध बोला जाता है ना खोटा में। अगला सवाल है कि गलत विकल्प के छाटा, आपको गलत विकल्प इनमें से कौन सा है, गलत विकल्प को आपको बताना है। एतबार, सोमवार, शनिवार या मंगल।
तो इसमें से एतवार, सोमवार और मंगल ये तीनों तो सही है खोटा के अनुसार से, जबकि शनिवार जो है वो खोटा में गलत होगा, क्योंकि शनिवार को हम क्या बोलते हैं, शनिचर बोलते हैं, इसलिए खोटा में इसको हम शनिचर बोलेंगे ना कि शनिवार। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तालब्य श का प्रयोग हुआ है जिसके कारण से वो गलत होगा, हम खोटा में तालब्य श का प्रयोग नहीं करते हैं, इसके जगह पे इस श का प्रयोग करते हैं। एकर में कौन सा सही नाय है, तो इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही एक नहीं है, तो गलत आपको छांटना है। तो परिणाम ये सही है, कारण ये भी सही है, शिक्षा या शिक्षा इस तरह से होता है ये भी सही है, क्षमता जो होगा वो गलत होगा क्योंकि ये छ का प्रयोग जो वो खोटा में नहीं होता है। क्षमता के जगह पे आप इसका या तो इस तरह से क्षमता लिख सकते हैं या तो फिर खेमोता इसको बोला जाता है ना, खेमोता। अगला सवाल है कि गलत विकल्प के छांटा, इसमें से आपको बताना है इनमें से कौन से विकल्प जो है वो गलत है, तो संज्ञा या संज्ञा ये भी सही है। प्रयोग देखिए तो कहीं ना कहीं ये गलत है क्योंकि प्रयोग हम नहीं लिखते हैं, प्रयोग के जगह पे प्रयोग लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, प्रयोग, तो ये गलत होगा। बाकी की ये तीन ऑप्शन सही है लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। प्रयोग के जगह पे अगर लिखना हो तो प्रयोग हम लिखते हैं, है ना, प्रयोग लिखते हैं। चलिए अगला सवाल है, एकर में कौन सा घोषीकरण के प्रत्यय नाय है, तो तीन जो है वो घोषीकरण का तो सही एग्जाम्पल है लेकिन एक ठो नहीं है। घोषीकरण सबसे पहले होता क्या है, तो चलिए एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, पहला दूसरा जो होता है वो क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है, पहला और दूसरा, जैसे क और ख, ये दूसरा जो हो गया वो अघोष हो गया, ग घ और अंगा, ये तीनों जो होता है वो क्या कहलाता है, घोष कहलाता है। अब देख लीजिए, भक्त से भगत यानी क से किस में आ रहा है, ग में आ रहा है, तो देखिए ये घोष है तो घोष में चेंज हुआ तो घोषीकरण होगा, बिल्कुल होगा। व्यक्ति से बैगत, तो यहाँ पे भी क से क्या आ रहा है, ग में आ रहा है, तो ये भी कह सकते हैं कि ये भी सही है, ये भी सही है। डॉक्टर से डागडर, तो यहाँ भी क से जो वो ग में चेंज हो रहा है, ये तीनों तो सही है, तो गलत आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा खराब का खराब, तो यानी ब जो है ब से चेंज हो रहा है प में। अब थोड़ा सा समझिए ब और प में, तो आपको पता है कि किसी भी प वर्ग में प जो है वो सबसे पहला आता है और ब प फ ब, ब जो आता है वो तीसरा में आता है, तो ब जो है वो तीसरा में, यानी ये घोष है और घोष से अघोष में आ रहा है, इसीलिए इसे अघोषीकरण कहेंगे ना कि घोषीकरण, इसलिए याद रखेंगे यह क्या हो जाएगा, अघोष अघोषीकरण कहलाएगा, ये ऑप्शन डी ना कि घोष। चलिए अगला सवाल है, एकर में कौन अघोषीकरण के सही प्रत्यय नाय है, तो इसमें से बताना इनमें से कौन सा एक अघोषीकरण का सही उदाहरण नहीं है, तो किताब से किताब में, तो ये तो अभी हमने देखा था ये सही है, मदद से मदद यानी द से त में आ रहा है यानी पहला में आ रहा है, ठीक है, त था द यानी तीसरा से पहला में आ रहा है, इस तरह से कुछ याद रखिए आप, पहला और दूसरा, ठीक है, यहाँ पे तीन चार पाँच, तो अगर तीन चार पाँच से पहला या दूसरा में आए तो वो क्या कहलाएगा, अघोषीकरण। पहला दूसरा से तीसरा चौथा पाँचवा किसी में आए तो वो कहलाएगा घोषीकरण, ठीक है। फिर अल्प प्राण में हमने देखा था पहला तीसरा और पाँचवा से दूसरा और चौथा में जाए, यानी इन तीनों से अगर दूसरा या चौथा में जाए तो क्या कहलाएगा, महाप्राणीकरण कहलाएगा, और ये दूसरा और चौथा से अगर कहीं इसमें आए तो उसे क्या कहेंगे, अल्प प्राणीकरण कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि व्यक्ति और बैगत अभी हमने बात किया था, यह क्या है, घोषीकरण है ना कि अघोषीकरण, तो ये जो हो जाएगा वो घोषीकरण है ना कि अघोषीकरण, और हमको बताना कि अघोषीकरण कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, बाकी तीन तो सही है, तीन जो है वो क्या है, अघोषीकरण है। अगला सवाल है कि खोटक विशिष्ट साड़ा कौन सा हक है, सही विकल्प के छांटा, तो इसमें से विशिष्ट साड़ा या विशिष्ट ध्वनि जो होता है वो क्या कहलाता है, तो हमने पहले इसके बारे में बात किया था, NH, MH, RH और LH, ये चार जो है वो विशिष्ट ध्वनि के अंतर्गत आता है, नह मह रह और लह, जैसे खैल है, गल है, करल है, पील है, इस तरह से करके आता है ना, जैसे खैल है, खैल है, तो देखिए आधा ल और ह का प्रयोग हो रहा है, तो ये क्या है कि कुछ विशिष्ट प्रकार की ध्वनियाँ होती है, तो ये आपको चारों याद रखना है कि ये चार जो होता है वो क्या है, विशिष्ट प्रकार की ध्वनियाँ हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल की ओर, अगला सवाल है कि महाप्राणीकरण के सही प्रत्यय छांटा, महाप्राणीकरण, तो अभी हमने बात किया कि पहला तीसरा और पाँचवा ये जो होता है वो अल्प प्राण होता है, पहला तीसरा और पाँचवा अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है। तो करब से करबा, तो देखिए ये दीर्घकरण है ना,
यानी कर ए करब से करबा। जैसे एक होता है ना कि ए ह्रस्व और दीर्घ, तो ह्रस्व से दीर्घ यानी दीर्घकरण ये हो रहा है। साग से साग यानी क से ग, यानी पहला से क्या आ रहा है, पहला से तीसरा में आ रहा है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, तो पहला से तीसरा में आ रहा है ये क्या कहलाएगा, घोषीकरण कहलाएगा। तो दूसरा तो घोषीकरण हो गया, पहला जो है वो दीर्घकरण हो गया। मदद से मदैत, मदद से मदैत। अब देखिए द जो है वो त में चेंज हो रहा है, यानी तीसरा से क्या आ रहा है ए, ए तीसरा से किस में जा रहा है, पहला में जा रहा है, यानी तीसरा से पहला में जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, अघोषीकरण कहलाएगा। लेकिन चौथा ऑप्शन अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है खैबे से खैभे, यानी प फ ब, प फ ब, ब क्या है तीसरा में आता है, और प फ ब भ, भ क्या है चौथा में आता है। तो पहला तीसरा और पाँचवा, और इधर आता है दूसरा और चौथा। तो देखिए इस तरह से अगर आप याद रखें तो क्या है, तीसरा से जा रहा है कहाँ पे, चौथा में जा रहा है। तो अल्प प्राण से महाप्राण की ओर आ रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, महाप्राणीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, महाप्राणीकरण, महाप्राणीकरण। तो याद रखेंगे इस तरह से, आपको कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो किसी भी सवाल को, किसी तरह का सवाल अगर घुमा फिरा के पूछा जाए, आप आसानी से इन सारे सवालों को हल कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि मूर्धन्य व्यंजन है, इनमें से बताना है कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है। तो ट ठ ड ढ मूर्धन्य, यानी ट वर्ग का जो भी आता है वो क्या कहलाता है, मूर्धन्य वर्ण कहलाता है, ठीक ना। तो ये आप देख सकते हैं ट ठ ड ढ मूर्धन्य, ये सारा मूर्धन्य व्यंजन है। चलिए अगला सवाल है, खोटा स्पर्श वर्ण है, खोटा में कितने स्पर्श वर्ण है, तो स्पर्श वर्ण टोटल जो होता है वो 23 यानी 23 होता है। स्पर्श वर्ण क्या होता है, आगे हम सवाल में देखेंगे क्या, किसे हम कहेंगे स्पर्श वर्ण। व्यंजन वर्ण के खोटाएँ कहल जाए, तो व्यंजन वर्ण के खोटा में क्या कहा जाता है, तो इसे निभरगर कहा जाता है, निभरगर। इस तरह के सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। आप कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये आप पक्का हम बता दे रहे हैं, क्योंकि ये सारा सवाल जो वो कहीं ना कहीं छांट करके निकाला गया है, और अच्छे अच्छे सवालों को इसमें शामिल किया गया है जहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, स्पर्श वर्ण ककरा कहल जाए, स्पर्श वर्ण ककरा कहल जाए, तो स्पर्श वर्ण ओकरा बोलल जाए जकर में पांचों वर्गें आवे वाला वर्ण के स्पर्श वर्ण कहल जाए, पांचों वर्गें आवे वाला वर्ण के स्पर्श वर्ण कहल जाए, और स्पर्श वर्णों की संख्या 23 होती है। तो खोटा में याद रखना कि स्पर्श वर्ण की संख्या 23 होती है। स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं, तो पांचों वर्गों में आने वाला वर्ण के कहल जाए स्पर्श वर्ण। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, खोटा उष्म वर्ण है, तो उष्म वर्ण आप सभी को पता होगा पहले से, इसका सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, स और ह जो होगा वो उष्म वर्ण होगा। अगला सवाल है कि भाषा साधन है, भाषा किसकी साधन है, तो भाषा जो वो अभिव्यक्ति की साधन है, अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा की युद्ध रूपे ज्ञान ककर से हवा है, तो याधा ए भाषा का युद्ध रूपे ज्ञान जो वो किसमें होता है, तो ये व्याकरण में देखने को मिलता है। ए स्वतंत्र रूप से बोलल जाए वाला वर्ण के कहल जाए, तो स्वतंत्र रूप से बोलल जाए वाला वर्ण के की कहल जाए, तो ओकरा बोलल जाए स्वर। याद रखेंगे उसे क्या कहेंगे, स्वर कहते हैं। आर्य भाषा परिवार के भाषा लगे, तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो आर्य भाषा परिवार से संबंधित है, तो आर्य भाषा परिवार से संबंधित रखने वाला कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, यानी खोटा आपका जो है वो आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। जो भी भाषा परिवार है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, कौन से भाषा से कौन सी भाषा आता है किस परिवार से, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आग्नेय भाषा परिवार के भाषा है, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी भाषा जो वो आग्नेय भाषा परिवार से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी संथाली और मुंडारी जो वो आग्नेय भाषा परिवार से संबंधित है। आग्नेय भाषा परिवार इसे हम ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के अंतर्गत भी रखते हैं, तो ये आपको याद रखना है, एशियाटिक या तो फिर आस्ट्रिक भाषा या तो फिर मुंडा आस्ट्रिक जिसको बोलते हैं, या ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत भी संथाली मुंडारी हो ये सब भाषा जो वो रखा जाता है। अगला सवाल है कि क्षेत्र विशेष में बोलल जाए वाला भाषा के कहल जाए, तो क्षेत्र विशेष में जो बोलने वाला भाषा होता है उसे क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। जो छोटे क्षेत्रों में मान लेते हैं, सपोज आप कीजिए कि झारखंड इतना बड़ा है, तो यहाँ पे क्या है कि कई सारे छोटे छोटे जगहों पे अलग अलग भाषाएं बोली जा रही है ना, तो इसको हम भाषा नहीं बोलते, इसको हम बोली बोलते हैं ना, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोला जाता है। हिंदी अगर बोले तो हिंदी इतना बोला जाता है, तो हिंदी बड़े आकार में बड़े क्षेत्रों में बोला जाता है, तो इसे हम बोली नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे।
लेकिन याद रखना है कि भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा की संज्ञा दी गई, लेकिन किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के अंतर्गत भारत में नहीं रखा गया है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि हिंदी हमारी क्या है, तो वो राजकीय भाषा है ना कि राष्ट्रीय भाषा, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ झारखंड की जो पहली राजकीय भाषा है वो है हिंदी, पहली राजकीय भाषा हिंदी है, उसके बाद अन्य जो भाषा है वो सारा 2018 में एक संशोधन हुआ था, है ना, 2018 में, जिसमें से 12 भाषाओं को जो है वो द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद फिर 2011 में, फिर उसके बाद क्या कि 2011 के बाद 2018 में फिर से एक बार संशोधन होता है और उसमें से फिर से 4 भाषा को जोड़ दिया गया, उसमें से फिर से 4 भाषा को जोड़ा गया था। और उन 4 भाषाओं को जोड़ करके क्या है, टोटल अगर भाषाओं की संख्या भी पूछा जाए कि झारखंड में कितनी ऐसी भाषाएं हैं जो कि राजकीय भाषा के अंतर्गत आता है, तो वो टोटल भाषाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कौन कौन सा भाषा है, तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कि कौन कौन सी भाषा है, जो कि जितने भी भाषा को हम बोलते हैं, जैसे सपोज दैट आप याद रखें कि संथाली, बंगला, उर्दू, मुंडारी, हो, कुड़ूख, उड़िया, खोठा, कुरमाली, नागपुरी एवं पंचपरगनिया, ये 12 भाषाएं पहले थे जो 2011 में संशोधन होकर के द्वितीय राजकीय भाषा झारखंड की घोषित किया गया था। लेकिन 2018 में जो होता है वो बिहार राजभाषा झारखंड संशोधन अधिनियम 2018 आता है और उसमें 4 और भाषाओं को जोड़ा जाता है। कौन कौन सा भाषा, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका, ये 4 भाषाओं को जोड़ दिया गया और राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसलिए अगर वर्तमान में पूछा जाए कि राज्य की द्वितीय राजभाषा कितनी है टोटल, तो टोटल अभी हो जाएगा 16, पहले कितना था 12, बाद में इसमें 4 जोड़ा गया, कौन कौन सा जोड़ा गया, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से द्वितीय राजकीय भाषा में कौन सी भाषा को 4 जो वो जोड़ा गया, तो ये 4 आपको याद रखना है, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका, ठीक है। और हिंदी जो है वो क्या है, तो झारखंड की सर्व प्रमुख भाषा जो है वो हिंदी है, और हिंदी के अलावा संथाली, बंगला, उर्दू आदि झारखंड में अधिक बोला जाता है, लेकिन ये सभी क्या है कि द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में रखा गया है, तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगला सवाल की ओर। खोठा भाषा खातिर एखन सबले उपयुक्त लिपि है, तो खोठा भाषा के लिखने के लिए भी अगर सबसे उपयुक्त लिपि माना जाता है तो वो देवनागरी, क्यों, क्योंकि हिंदी के जैसा ही हम लिखते हैं, देवनागरी लिपि। ओलचिकी लिपि आप सभी को पता ही होगा कि संथाली भाषा जो है उसकी लिपि जो है वो क्या है, ओलचिकी है। आप पंडित रघुनाथ मुर्मू के बारे में आप सभी को पता ही होगा, है ना, उन्हीं के द्वारा जो है इसको जो है वो बनाया गया था, ओलचिकी लिपि का आविष्कार जो करने का श्रेय जाता है वो पंडित रघुनाथ मुर्मू को जाता है, जिन्होंने ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया था। और वारंगचिती लिपि की अगर बात करें तो यह हो भाषा की लिपि है वारंगचिती, जिसको लाखो बोधरा के द्वारा इसका जो है वो आविष्कार किया गया था, लाखो बोधरा के द्वारा, है ना, लाखो बोधरा के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था वारंगचिती लिपि का। अब आपको कमेंट करके दो चीज़ आपको बताना है कि ओलचिकी लिपि और वारंगचिती लिपि, ये दोनों लिपि का आविष्कार कब हुआ था। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ओलचिकी लिपि का आविष्कार कब किया था, और वारंगचिती लिपि का लाखो बोधरा के द्वारा कब उसका आविष्कार किया गया था, ये दोनों वर्ष आप जरूर याद रख लें, कई बार सवाल यहाँ से पूछा जाता है, ये सारे पूछे जाने वाले सवाल हैं। अगला सवाल देख लेते हैं कि खोठा भाषा ककर प्रभाव है, तो खोठा भाषा में किसका प्रभाव देखने को मिलता है, तो स्वाभाविक बात है कि बंगाल से हम लोग का सीमा लगता है, इसलिए बंगला का भी प्रभाव देखने को मिलता है। उड़ीसा से हमारी सीमा लगी हुई है, इसलिए उड़िया का भी प्रभाव देखने को मिलता है। मगही और मैथिली ये दोनों बिहार की भाषा है, और ये दोनों बिहार से सटा हुआ राज्य है हमारा, उत्तर में बिहार से हमारा सीमा लगता है, जो कि झारखंड का 10 जिला है जो कि बिहार से सीमा साझा करती है, इसलिए याद रखेंगे इन चारों भाषाओं का भी जो है वो प्रभाव देखने को मिलता है खोठा में। जैसे अगर बात करें, अगर कुछ मैप की दृष्टि से अगर इस तरह से देखा जाए, ठीक ना, अगर कुछ मैप के आधार पर अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से मैप बना हुआ है, इधर जो है वो वेस्ट बंगाल है, इधर जो है वो बिहार है, है ना, यहाँ पे क्या है छत्तीसगढ़ है, इधर छत्तीसगढ़ है, नीचे उड़ीसा है दक्षिण में, और यहाँ पे जो है वो यूपी जो उत्तर पश्चिम में एक गढ़वा जिले से अपना सीमा साझा करता है। तो झारखंड की सीमा टोटल जो है वो कितने राज्यों से लगती है, तो 5 राज्यों से। पश्चिम बंगाल जो है वो झारखंड के 10 जिले से अपनी सीमा साझा करती है। बिहार जो है वो झारखंड के 10 जिले से अपनी सीमा साझा करती है।
उड़ीसा जो है वो झारखंड के 4 जिलों से अपनी सीमा साझा करती है, छत्तीसगढ़ झारखंड के 4 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है, और यूपी जो है वो एकमात्र गढ़वा ऐसा जिला है जो कि यूपी राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना कि गढ़वा ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये तीनों राज्य से अपनी सीमा साझा करता है गढ़वा। तो ये भी आपको कंसेप्ट याद रखना है। कौन कौन सा जिला है हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल से जब कभी पढ़ेंगे तो देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि खोटाई हिंदी वर्णमाला कैगो स्वर लेल गेल है। तो खोटाई जो है वो हिंदी वर्णमाला का, हिंदी में वर्णमाला कितनी है, 12 है। आप सभी को पता होगा अ अमिय अमिय आ, ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ, ए आई ओ आ अंग अ। तो इस तरह से 12 जो है वो स्वरों की संख्या वहाँ पे हिंदी में 12 है। लेकिन खोटा में जो लिया गया इसे वो कितना लिया गया, तो 8 लिया गया है। याद रखेंगे खोटा में कितना लिया गया है, 8 लिया गया है। कौन कौन सा लिया गया है चलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं। अ अमिय अ, ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ, ए और ओ, ये 8 आपको जो है ये लिया गया है खोटा में। अब यहाँ पे सवाल उठ रहा होगा कि कौन कौन सा 4 नहीं लिया गया है, तो 4 जो नहीं लिया गया वो एक आय, आओ, अंग और अ, ये 4 ऐसा है जो कि नहीं लिया गया है। याद रखेंगे इस पे इसका जो प्रयोग जो है वो खोटा में नहीं होता है, बाकी के 8 जो वो हिंदी से लिया गया है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ से ह्रस्व स्वर पूछा जाए तो अ, ह्रस्व ई और ह्रस्व उ, ये तीनों जो है वो क्या है, ह्रस्व के अंतर्गत आता है स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन सा है, तो अमिया आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ये तीनों जो है वो क्या है, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। ये तीनों जो है वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। बाकी के ए और ओ ये जो है वो संयुक्त व्यंजन ए सॉरी संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है, ठीक ना। ए और ओ, ए कभी ह्रस्व के रूप में भी प्रयोग होता है इसका, और कभी दीर्घ के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। चलिए आगे चलते हैं। व्यंजन स के उच्चारण हवा है, तो व्यंजन स का जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है, तो इसका उच्चारण जो होता है वो मूर्धन्य स हम बोलते हैं, है ना, तो मूर्धन्य से इसका उच्चारण जो है वो होता है। वर्णमाला संयुक्त स्वर है, तो वर्णमाला में देखिए जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे आ गया वही सवाल है कि वर्णमाला में संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, तो ए और ओ, ये दोनों जो है वो संयुक्त स्वर के रूप में हम जानते हैं। ये चीज़ आपको याद रखने। ह्रस्व स्वर अभी हमने बात किया, अ, ह्रस्व ई और ह्रस्व उ, ये तीनों जो वो ह्रस्व स्वर है। दीर्घ कौन सा हो गया, तो अमिया अ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ये तीनों जो वो दीर्घ है, ये तीनों ह्रस्व है, और ये दोनों जो वो संयुक्त स्वर है। तो 3 और 3 6 और 2 8, 8 स्वर की इस स्वर का उपयोग ही होता है खोटा में। इसको जिसको हम ह्रस्व और दीर्घ ये दोनों मिला करके जो इसका उपयोग करते हैं उसी को संयुक्त स्वर बोला जाता है। चलिए अगला सवाल है, भाषा ककर देन है, तो भाषा जो है वो सभ्यता के देन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। य र ल व, ये कैसन साड़ाक है, तो ये कैसा है, तो बता दें कि यह अल्प प्राण है और घोष, ये दोनों है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये अगर और साथ ही साथ इसको अंतस्थ बोला जाता है, है ना, अंतस्थ वर्ण बोला जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि तालव्य स, मूर्धन्य स, धन स और ह, ये कैसन साड़ाहक है, तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा महाप्राण और अघोष, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि गलत विकल्प के छांटा, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो वो गलत विकल्प है। तो प्रणाम ये सही लिखा हुआ है, ईश्वर सही लिखा हुआ है, स्कूल सही लिखा हुआ है, उम्र जो है ये गलत लिखा हुआ है। याद रखेंगे इसको हम पढ़ेंगे लिखेंगे खोटा में तो उमर उमर लिख सकते हैं या तो फिर उमर लिख सकते हैं, क्या उमर, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी उमर इस तरह से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कि झारखंडे कते भाषा परिवारे का भाषा बोल जाए, तो झारखंड में मुख्य रूप से जो है वो 3 भाषा परिवार का भाषा जो है वो बोला जाता है, ये आपको याद रखने हैं। एके झा खोटा के कौन रकम भाषा मानल है, तो एके झा ने खोटा को जो है वो अनार्य भाषा के अंतर्गत माना है, यह जो है वो अनार्य भाषा है ये बोला है, किसके द्वारा, एके झा के द्वारा, ये आपको याद रखने हैं। खोटा खरोष्ठी लिपि से बनल है, ई के ई बात जो है वो के कहल है,
तो खोरठा जो वो खरोष्ठी लिपि से बनल है, यह बात जो वो ए के झा के द्वारा बोला गया है। ए के झा का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो अजीत कुमार झा इनका पूरा नाम है, ये भी आपको याद रखने है। सदानी भाषा परिवार के भीतर कौन भाषा नाय है? तो सदानी भाषा परिवार में इसमें से कौन सा भाषा जो है वो सदानी भाषा के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुडुख। कुडुख जो है यह द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, जिसको द्रविडियन भाषा के अंतर्गत रखते हैं, जिसको माल्टो या माल्टो भाषा बोला जाता है ना। ये कुडुख हो गया और ये शौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया, ये दोनों की जो भाषा है वो भी किसके अंतर्गत आता है? कुडुख जो होता है वो जनरली उराव की भाषा है, उराव जनजातियों की भाषा जो है उसे कुडुख कहा जाता है। और शौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया, ये दोनों की भाषा जो होता है उसे माल्टो कहा जाता है। तो माल्टो भाषा जो है या माल्टो, ये भी भाषा जो है वो द्रविड़ियन भाषा परिवार के अंतर्गत ही आता है। आगे हम सारी चीज़ों को हम डिटेल से देखेंगे। खोरठा भाषा का विकास कैकर प्रभाव है? तो खोरठा भाषा का इनमें से किसका प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है? तो प्राकृत का भाषा देखने को मिलता है, मागधी अपभ्रंश का भी मिलता है और जनजातीय भाषा गुलक का भी मिलता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं झारखंड की भाषाओं एवं बोलियों को तीन वर्गों में बांटा गया है। किस किस वर्गों में बांटा गया है? तो पहला है आर्य या भारोपीय, दूसरा है द्रविड़ या द्रविड़ियन, और तीसरा जो आता है वो आस्ट्रिक मुंडा आस्ट्रिक या तो फिर आस्ट्रो एशियाटिक। अब उसमें से कौन कौन सी भाषा आता है चलिए हम एक एक करके देखते हैं। भारोपीय या भारत यूरोपीय भाषा जो है, इसमें आता है हिंदी, खोरठा, पंचपरगनिया, करमाली, नागपुरी, ये सारा आता है ना। द्रविड़ियन भाषा परिवार के अंतर्गत हम अगर देखा जाए तो द्रविड़ियन भाषा परिवार में जो भाषा आता है वो है कुडुख, जो उराव की भाषा है, और माल्टो, ये शौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया की भाषा है। तीसरा आता है इसमें मुंडा आस्ट्रिक या आस्ट्रो एशियाटिक, जिसमें आता है संथाली, मुंडारी, खड़िया, हो, ये सभी भाषा जो है वो मुंडा आस्ट्रिक या आस्ट्रो एशियाटिक भाषा के अंतर्गत आता है। तो ये सारे चीज़ें आप आसानी से याद करेंगे। इसका PDF जो है हम टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ से आप सारे चीज़ों को पढ़ लेंगे एक बार फिर से रिपीट करके। सही विकल्प के छांटा, इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही विकल्प है। तो संतोख, शत्रु और व्याकुल, ये सभी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये सारा जो है लिखा हुआ सही है। संतोष को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि इस स का प्रयोग जो है वो नहीं होता है, इसलिए संतोख होगा। शत्रु ऐसे तो शत्रु ऐसे लिखाता है ना, लेकिन यहाँ पे हमको ना ही तालब स का प्रयोग करना है ना ही त्र का प्रयोग करना है, इसलिए दोनों का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसका जो है वो इस तरह से लिखा है। व्याकुल को व्याकुल लिखते हैं है ना, अगर व्याकुल लिखना होता तो हम ऐसे हिंदी में लिखते, लेकिन इसको खोरठा में अगर सही लिखना हो तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से व्याकुल। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल कि सही विकल्प के छांटा, सही विकल्प आपको छांटना है ऋषि, ऋण, क्षत्रिय या फिर कौन होना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं, या जो वो सही इसमें से कोई भी जो है वो खोरठा के अनुसार से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना ही री का प्रयोग होता है ना ही इस स का प्रयोग होता है, यहाँ पे ना ही री का प्रयोग होता है ना ही मूर्धन्य ना का प्रयोग होता है, यहाँ पे ना ही इच्छा का प्रयोग होता है ना ही त्र का प्रयोग होता है ना ही य का प्रयोग होता है, इसलिए कोई भी प्रयोग नहीं होता है, इसलिए गलत होगा आंसर। तो इसमें डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सही विकल्प के छांटा, कर्म, धर्म, नर्म या शर्म। तो शर्म ऐसे हम लिखते हैं इस तरह से है ना, हिंदी के अनुसार से ये सही है, लेकिन खोरठा में ये सही होगा। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, और हिंदी के अनुसार से ये सारा सही है हिंदी के अनुसार से, लेकिन खोरठा में इस तरह से लिखेंगे। अगर कर्म लिखना होता तो हम लिखते कर्म, धर्म लिखना होता तो लिखते हम धर्म, नर्म को लिखना होता तो क्या लिखते नरम। इस तरह से हम इसको पूरा आधा र जो है वो पूरा र में चेंज हो जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं सही विकल्प के छांटा, तो सही विकल्प आपको बताना है कि कौन सा होगा, व्यवहार, व्यवस्था, व्याकुल या फिर कौन होना है। तो आप सभी को पता है कि इसमें से कोई भी जो है वो सही विकल्प नहीं है, क्योंकि व्यवहार ये भी गलत है, ये व्यवहार अगर लिखना होता तो व्यवहार लिखा जाता है या व्यवहार है ना इस तरह से, या तो फिर व्यवहार, व्यवस्था तो व्यवस्था नहीं होता है, व्यवस्था होता है ना कि व्यवस्था होता है, व्याकुल नहीं होता है व्याकुल होता है ना, व्याकुल अगर लिखना होता तो व्याकुल लिखेंगे, व्याकुल व्याकुल इस तरह से लिखाएगा ना कि इस तरह से, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई सही नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 100 की बात करते हैं, यानी 100 क्वेश्चंस। इसमें से आपको बताना है कि एकर में कौन सा सही नाय है।
तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा जो है वो खोटा के आधार पर ये सही नहीं है। आप कमेंट करके बताएंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बी सी डी, जो भी होगा आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। जल्दी हम इसका थर्ड पार्ट लेकर के आएंगे आपके बीच में, तो आप हमारे साथ बने रहें। और चैनल में अगर अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से उन सारे वीडियोज़ का बेनिफिट्स उठा पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।